नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान आज, हॉट सीट पर नंदीग्राम पर सबकी नजर। पश्चिम बंगाल और असम में 1 अप्रैल यानी कि गुरुवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। बंगाल में दूसरे चरण के लिए 4 जिलों के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है, जबकि असम में 39 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग होगी। इस चरण में बंगाल में 75,94,549 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके 171 उम्मीदवारों का सियासी भविष्य तय करेंगे। वहीं असम में दूसरे चरण के तहत 345 उम्मीदवारों का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद होगा। इसमें 26 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। और आपको बता दूं कि नंदीग्राम में ममता सुवेंद्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नंदीग्राम सिर्फ दूसरे चरण ही नहीं बल्कि इस पूरे विधानसभा चुनाव के सबसे हॉट सीट है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुवेंद्र अधिकारी। वहीं माकपा ने यहां युवा महिला नेता मीनाक्षी मुखर्जी को भी उतारा है। झारखंड में बेरोजगारी भत्ता योजना के तौर पर 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो बेहद ही आवश्यक है। जो भी उम्मीदवार आवेदन करने जा रहे हैं उसे सही और सटीक जानकारी देनी होगी, यह बेहद आवश्यक है। यदि गलत जानकारी मिली तो उसके खिलाफ बाद में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए सही और प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स देनी अति आवश्यक है। खबर है झारखंड के सिमडेगा से। कोच और 11 खिलाड़ियों में मिला कोरोना संक्रमण, राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप स्थगित। 3 से 12 अप्रैल तक आयोजित होने वाली 11वीं हॉकी इंडियन राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2021 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह प्रतियोगिता झारखंड के सिमडेगा जिले में होनी थी। सिमडेगा डीसी सुशांत गौरव ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रतियोगिता को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मंगलवार को चंडीगढ़ की टीम सिमडेगा पहुंची थी। टीम के सभी खिलाड़ियों की कोरोना जांच की गई, इसमें 5 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही झारखंड की टीम को भी 6 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा एक कोच में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। 12 लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद हॉकी स्टेडियम को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया। झारखंड में कोरोना संक्रमण के 693 नए संक्रमित मिले, रांची में आधे से अधिक। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रांची प्रदेश का हॉट स्पॉट जिला बनकर उभरा है। बुधवार को मिले 693 संक्रमित में आधे से अधिक 351 नए संक्रमित सिर्फ रांची से मिले हैं। आज 122 संक्रमित ठीक भी हुए। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2825 हुई। झारखंड में 58,81,206 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें से 1,24,201 संक्रमित मिले हैं। आज 122 संक्रमित के ठीक होने के साथ ही कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 1,20,263 हो गई। अब तक 1,113 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। अप्रैल में भी नहीं शुरू हो सका शहरी जलापूर्ति। लंबी प्रतीक्षा के बाद शुरू हुई शहरी जलापूर्ति योजना से लोगों को अप्रैल में भी पानी मिलने का कम ही असर दिख रहा है। पहले यह कहा गया था कि मार्च तक 2000 घरों को पानी कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब तक एक भी घर में पानी का कनेक्शन नहीं हो पाया है, जबकि एजेंसी को भी कार्य करने में विलम्ब हो रहा है। बताया जाता है कि पानी के लिए अब तक विद्युत कनेक्शन भी नहीं हो पाया है। गर्मी शुरू हो चुकी है, शहर के कई इलाकों में पानी की समस्या हो रही है। ऐसे में अगर इस महत्वाकांक्षी योजना से लोगों को पानी देने में विलंब होता है तो जाहिर सी बात है कि शहरवासियों को पानी की समस्या होगी। छात्र छात्राओं के लिए झारखंड सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2020-21 में ज्ञानोदय योजना यानी कि प्राथमिक शिक्षा के तहत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति करेगी। आरक्षित सीटों पर नामांकित कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों की फीस की 425 रुपये प्रति माह प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया है। उन्होंने इस योजना के लिए 6 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2019 के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा के 25% सीटों पर नामांकित एवं अध्ययनरत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के 11,764 छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा।
मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में बुधवार को भी कई इलाकों में ग्रीष्म लहर की स्थिति बनी रही। राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में कुछ जगहों पर लू चली। मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के दो शहरों जैसे जमशेदपुर और डाल्टनगंज में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था। वहां बुधवार को थोड़ी राहत मिली है। जमशेदपुर का अधिकतम पारा 1.4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा, 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं डाल्टनगंज का पारा 38.7 एवं राजधानी रांची का 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। डाल्टनगंज, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची, खूंटी, लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवां, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम समेत कई शहरों में दिन में लू की स्थिति कायम रही। मौसम में गुरुवार से यानी कि आज से आने वाले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी से नम हवा के बहाव से बढ़ते पारा पर विराम लगेगा एवं अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाएगा। हालांकि इस दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके बावजूद अब गर्मी कम नहीं होगी और आमजन धीरे धीरे सूरज के ऊपर जाने की वजह से गर्मी महसूस करेगी। 3 और 4 अप्रैल को राज्य के विभिन्न इलाकों में आसमान आंशिक बादल छाए रहेंगे। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। लोगों को बीमार बना रहा है क्रशर से निकला हुआ गोबर। हिरणपुर प्रखंड के पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में क्रशर व खदान से उड़ने वाले धूलकण से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग इस क्षेत्र में प्रदूषण को काबू करने में पूरी तरह से विफल है। हिरणपुर कोटाल पोखर मार्ग पर मोहारो, सिद्ध पहाड़, कस्तूरी चौड़ा मोड़ आदि जगहों पर सड़क की दोनों ओर दर्जनों क्रशर है। यह विभागीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन क्रशरों से निकले धूलकण से पूरी सड़क पर गुबार रहता है। कई बार तो वाहन चालक व राहगीरों को सड़क भी दिखाई नहीं देती। इससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। झारखंड सरकार ने मदरसा शिक्षकों के मानदेय के लिए केंद्र से मांगे 5.66 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने केंद्र से राज्य के मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय के लिए 5.66 करोड़ रुपए की मांग की है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि SPQEM योजना के तहत केंद्र सरकार मदरसा के शिक्षकों के मानदेय के लिए अनुदान के रूप में राशि देती है। इस योजना के तहत मदरसों में औपचारिक पाठ्यक्रम के विषयों जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि में पठन पाठन को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त पूर्णकालिक शिक्षकों को मानदेय दिए जाते हैं। पूर्णकालिक स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रतिमाह 6,000 तथा स्नातक उत्तर प्रशिक्षित शिक्षक को 12,000 रुपये दिए जाते हैं। झारखंड में खुलेंगे एग्री क्लिनिक, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार और किसानों को मिलेगा मदद। राज्य के किसानों को और कृषि विषय में ग्रेजुएट व डिप्लोमा धारक को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में झारखंड सरकार पहल करने जा रही है। कृषि विभाग की ओर से राज्य में एग्री क्लिनिक खोलने की तैयारी है। इससे किसानों को स्टार्टअप के लिए लोन, नई तकनीकी जानकारी समेत विभिन्न समस्याओं का निदान मिल सकेगा। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि एग्री क्लिनिक मल्टीपर्पज तरीके से काम करेगा। लोन की जरूरत पर नवार्ड से भी लोन उपलब्ध कराने में सहायक होगा। फिलहाल इस वर्ष 45 एग्री क्लिनिक राज्य में खोले जाने की योजना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के तहत रांची नगर निगम ने रमणीक रांची अभियान की पहल की है। राजधानी की रांची सहित अन्य शहरों की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों के लिए कैनवास बन गई। इन दीवारों पर कलाकार झारखंड की संस्कृति की आकृतियां उकेर रही है। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां यहां की संस्कृति से लोगों को अवगत करा रही है और रंग बिरंगी पेंटिंग लोगों को पसंद भी आ रही है। वहीं कलाकारों की यह पेंटिंग स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संचार करने और झारखंड के शहरों को एक विशिष्ट पहचान भी दे रही है। कोषागार में मार्च क्लोजिंग के दिन होने वाले भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिल जमा करने की व्यवस्था की, जिसके कारण ट्रेजरी के बाहर लगने वाली भीड़ इस बार नहीं दिख रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के मुताबिक बिल का भुगतान रात 11 बजे तक ही हो सकेगा। इधर दोपहर 2 बजे तक राजधानी रांची के समाहरणालय स्थित जिला कोषागार में बिल जमा होने की रफ्तार धीमी रही। पिछले वर्ष मार्च महीने में अकेले रांची जिला कोषागार से 6,400 बिल जमा हुए थे। इस वर्ष यह आंकड़ा कुछ दिन पहले ही पार कर चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड एवं वीरभूम पुलिस की हुई संयुक्त बैठक। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला के विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को झारखंड एवं वीरभूम पुलिस की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में विधानसभा निष्पक्ष एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर गहन विमर्श किया गया। चुनाव को लेकर विशेष सतर्कता पर बल दिया गया।
पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा क्षेत्र में पुलिस की चौकसी को लेकर भी चर्चा किया गया। चुनाव के दौरान सीमा सील को लेकर भी चर्चा हुआ। इलाके में सघन वाहन जांच को लेकर रणनीति बनाई गई। अवैध प्रवेश पर रोक लगाने की भी बात कही गई है। बैठक बीरभूम जिला के चंद्रपुर थाना क्षेत्र के बरकेश्वर यूथ हॉस्टल में आयोजित किया गया। बैठक में कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह के न्यूज़ सुनना चाहते हो। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।